अंग को लेकर यहाँ पर बैनर FENC प्रतिभा, JB मुर्दाबाद, DMRC मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और DMRC प्रोजेक्ट CC18 एंड CC23 FMC प्रतिभा JB में 9 महीने से लेबर ठेकेदारों का पेमेंट ना मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम बबू त्रिपाठी है और विगत में 17 सालों से मेट्रो की सेवा कर रहे हैं, लेबर ठेकेदारी का काम करते हैं और इधर 9 महीने से DMRC के बड़े चुनिंदा अधिकारीगण प्रतिभा के MD से मिलीभगत करके हम लोगों का पेमेंट 9 महीने से नहीं करा रहे हैं, जिससे कि आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने मजदूरों का पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि हम लोग 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चलेगा मगर अभी तक किसी का एक फ़ोन तक नहीं आया कि आप लोगों के साथ हम करने क्या जा रहे हैं। आगे का हम लोगों का प्लानिंग है, हम लोग शहरी विकास मंत्री के पास जाएंगे, DMO ऑफिस में जाएंगे, सबके पास जाएंगे, जहाँ हमारी गुहारें मानी जाएंगी हम वहाँ तक जाएंगे मगर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और DMRC के सारे कर्मचारी, ऊपर के बड़े साहब लोग प्रतिभा कंपनी के साथ सांठ गांठ मिला करके ये भुगतान नहीं कर रहे हैं और जबकि DMRC के पास 400 करोड़ की बैंक गारंटी प्रतिभा की है, आज अगर DMRC चाह ले तो 10 मिनट के अंदर हम सारे भाइयों का पेमेंट, लेबर ठेकेदारों का पेमेंट 10 मिनट के अंदर हो जाएगा मगर सारी मिली भगत है। हम पूरा आरोप लगाते हैं कि इन सब की मिली भगत है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को मरवाने के लिए फ़ोन किया कराए जा रहे हैं, बाउंसरों को बुलाए जा रहे हैं, धमकियाँ दिलाई जा रही हैं, पेमेंट खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों को बाउंसर बुला करके वहाँ पे ऑफिसों पे हम लोगों को जाने से मना कर दिया गया है। और यहाँ तक की बात है कि जो प्रतिभा कंपनी है अपना सारा मटेरियल रात रात में 25-25 गाड़ी लेकर के उठा रही है, बेच रही है और प्रतिभा कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज ने सरोजनगर थाने में जाकर के एक घोषणा की है कि हमारी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है। ये सारी मिली भगत DMRC की है और प्रतिभा की मिली भगत ही है। हम लोग रोड पे आ गए हैं, ये धरना प्रदर्शन तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक हमारा पेमेंट 9 महीने की बकाया राशि कम से कम 25 करोड़ रुपए है। हम 25 ठेकेदार हैं, लेबर ठेकेदार हैं क्योंकि हम लोग वर्करों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, रोड पे आ गए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हम लोगों ने सब दांव पे लगा दिया है, इसलिए लगाया है कि हमारे भारत का विकास हो। हम लोग सुरंग के अंदर रह करके जहाँ पे हवा तक नहीं मिलती भूमिगत स्थान पे जाके काम करते हैं, हमारे वर्कर मजदूर काम करते हैं, हम लोग सुपरविजन करते हैं मगर आज DMRC को जू तक नहीं रेंग रही है कि हम लोगों की बात को सुने और प्रतिभा के MD को बुला करके बैठ करके बातें करें और हम लोगों का पैसा दिलाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं और हम लोग कोई बात करने तक नहीं आ रहा है और आगे क्या बताएं, बहुत तकलीफ में है हम लोग। त्रिपाठी जी, क्या कारण हुआ कि आपकी 9 महीने से ये पेमेंट रोकी गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि क्या है कि जब प्रतिभा बिलिंग करती है, मान लीजिए 10 करोड़ की बिलिंग किया तो DMRC इनको 8 करोड़ देती है। 8 करोड़ क्यों देती है? बीच में एक साल पहले दोनों प्रोजेक्टों पे एक मटेरियल एडवांस होता है जो कि कंपनी पहले जब काम देती है DMRC तो दे देती है, बीच में DMRC मिली भगत करके प्रतिभा को दोनों प्रोजेक्टों पे 100-100 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया। अगर मान लीजिए हमने आज 10 करोड़ की बिलिंग किया तो DMRC अपना वित्त ब्याज सहित काट करके, ब्याज काटेगी, मूलधन काटेगी, 1 करोड़ रुपये प्रतिभा को पकड़ा देगी, क्योंकि प्रतिभा तो पैसा पहले ले जा चुकी है ना मिली भगत करके, 100-100 करोड़ रुपये अब लोगों का पैसा कहाँ से देगी, दोनों की मिली भगत है तो DMRC से पहले एडवांस पैसा प्रतिभा मिल करके 100-100 करोड़ रुपये एडवांस ले लिया है, ये आज के एक साल पहले की बात है। आपने 1 महीना सहन करा, 2 महीना सहन करा, आज 9वां महीना है, 9वें महीने के अंदर आज आप ये जंतर मंतर भारत की ऐतिहासिक जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपने पहले जो इस डिपार्टमेंट से जो आपसे संबंधित हैं क्या आपने उनसे गुहार की? बिल्कुल सर, हम लोगों ने मेट्रो भवन में भी एप्लीकेशन दिया, दोनों जो प्रोजेक्ट इंचार्ज 18-23 के उनको भी लेटर दिया हम लोगों ने और प्रतिभा के मालिक को भी लेटर दिया। उसका महत्वपूर्ण कारण था कि इनकी पहले से प्लानिंग थी कि हमको बेईमानी करना है। प्रतिभा कंपनी आज 12 महीने में 12 प्रोजेक्ट इंचार्जों को चेंज कर चुकी है, उसका मतलब है कि इन लोगों ने से पहले प्लानिंग कर लिया था कि हमको 1-1 महीने रखना है अधिकारी को, अधिकारी जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे, त्रिपाठी जी रुकिए, हम तो अभी नए आए हैं, हमको 15 दिन का टाइम दीजिए, हम आगे देखते हैं, 1 महीने निकल गया वो दूसरे जगह चले जाएंगे, दूसरा अधिकारी आ जाएगा। हम लोग इस बीच में सबसे मिले हैं मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग एक भावना के रूप आकर के, क्योंकि हम लोग देश का विकास कर रहे हैं, चलो ये अधिकारी काम नहीं किया तो अधिकारी करेगा, हमारे पास जो भी जमीन जायदाद जगह था हमने सबको बेच करके लेबर मजदूरों का पेमेंट किए हैं, 2 महीने इनका पेमेंट बाकी है, हम लोगों का 9 महीने का बाकी है,
कि भारत का विकास हो रहा है उसमें हम लोग 17 साल से लगे हुए हैं। चलो मेट्रो चल रही है, सब उसमें जनता चलेगी, खुशहाल रहेगी, खुशहाली देखेंगे, हम भी खुश रहेंगे। मगर आज मेट्रो ने ऐसा कर दिया कि खुशहाली के बदहाली हम लोगों को झेलना पड़ा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज भारत के ऐतिहासिक जगह पे आकर के हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है, बड़े शर्म की बात है। और मैं भारत सरकार से गुहार लगाते हैं, हम लोग भीख मांगते हैं कि हम लोगों के हक की लड़ाई में आगे आकर के हम लोगों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। है कि हमारे जो ठेकेदार हैं उनकी अगर पेमेंट 9 महीने की क्लियर हो जाती है तो हमारा 2 महीने का जो पेमेंट बाकी है वो हमें मिल जाएगा। और इस वजह से सारे लेबर, मतलब जो रूम रेंट है उनका, खाने का है, रहने का है, उनमें बहुत दिक्कत आ रही है। अगर मान लो लेबर हमारा 1 महीने का किराया नहीं देता, जहाँ पे किराया नहीं देता है वहाँ पे रूम मेट मालिक है उनको बोलता है कि नहीं देगा तो भगा देंगे, उसकी वजह से खाने में दिक्कत है कि कहाँ से आदमी राशन लेगा, फिर राशन वाले को देना है, फिर लाइट का, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है 2 महीने से कि हम लोग इस कगार पे आ गए हैं कि हमारे बाल बच्चे हैं घर पे, गाँव में माँ बहनें हैं वो किस तरह से रह रही हैं। हमने वादा किया था दिल्ली मेट्रो का, जो 17 सालों से हमने इस दिल्ली मेट्रो में सहयोग दिया उसके लिए आगे भी ये हम लोग करते रहेंगे। अगर दिल्ली मेट्रो ने और दिल्ली मंगू सिंह हमारा जो DMRC के मैनेजर हैं वो अगर साथ दें तो हम लोग इसी तरह दिल्ली मेट्रो को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरी दिल्ली की जनता या पूरे भारत की जनता दिल्ली मेट्रो में सफ़र करे और खुशहाल करें। हम अगर हमारी पेमेंट कर देते हैं तो मंगू सिंह का साथ देंगे, ऐसे लेबर क्लास के लोगों ने बोला है। और जो हमारे ठेकेदारों की जो पेमेंट रुकी हुई है अगर उसे शीघ्र अतिशीघ्र करते हैं तो हम जो पहले काम करते थे उसी प्रकार से हम पूरा काम करेंगे। आइए, जो हम देख रहे हैं कुछ साथी ग्रीन ड्रेस में है तो कुछ साथी रेड कलर में है। आइए हम रेड और ग्रीन का भी इनसे मतलब समझते हैं। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार द्विवेदी नाम है सर। द्विवेदी जी, आप लोग यहाँ भारत के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर यहाँ बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, क्या कारण आपके यहाँ बैठने का? सर कारण एक ही है सर, 9 महीने से पेमेंट नहीं मिला है हम लोगों को। काम कराने के लिए तो कई प्रोजेक्ट मैनेजर आए हैं, सबके हमने बातें सुनी है, सब लोगों ने आश्वासन दिया है। खासकर जो आश्वासन सरकारी आदमी CPM सर होते हैं हमारे यहाँ, DMRC से CPM सर होते हैं रवि कपूर साहब, और एक आशीष बंसल साहब थे वो भी चले गए हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा आया है, उनका नाम अभी नहीं पता है हमको। उनकी जगह, उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको पेमेंट हमारे द्वारा किया जाएगा, लेकिन पिछले 9 महीने से लेटर दे के हम लोग उनके ऑफिस में जा के थक गए। लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि हम यहाँ पे बैठे। उनकी तरफ से पहले तो पूरा आश्वासन था, जब तक उनका काम नहीं हुआ था पूरा आश्वासन था कि आपका पैसा हम बिजी इनकेस करवा के देंगे, लेकिन अभी जब उनका 90-95% काम खत्म होने के बाद सब पल्ला झाड़ रहे हैं, कंपनी की तरफ से बाउंसर से इरिटेट किया जा रहा है, और हम जैसे छोटे आदमी के लिए कहीं अगर कोई बंदा अकेला जाए बाउंसर से तो है ही, पुलिस फोर्स, पुलिस से फ़ोन करके पैसा दे के पता नहीं क्या क्या करवा के बहुत इरिटेट किया जा रहा है। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, इसलिए जंतर मंतर में बैठे हैं।